Hello. Let us start with the series of operating system. Our motive will be to have crisp knowledge about operating system in less amount of time and words. Okay. Let's start with operating system. So today we will cover what is operating system and the basic functions of operating system. Let's continue. Let's start with what is operating system. So this is the fundamental unit. ठीक है, बेसिक यूनिट है विच इज़ अ कंप्यूटर हार्डवेयर. वी ऑल नो वॉट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर. एनी कॉम्पोनेंट विद रिस्पेक्ट टू योर सिस्टम विच इज़ टैंजिबल, विच इज़ फिजिकल, विच कैन बी फॉर हार्डवेयर, इज़ अ हार्डवेयर. तो अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम्स की या लैपटॉप की बात करें तो एवरी कॉम्पोनेंट सच एज कीबोर्ड, माउस, योर मोनिटर, योर मदरबोर्ड, ये सारे कॉम्पोनेंट्स क्या हैं, टैंजिबल हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. बट अगर हमें इनको यूज़ करना हो तो अगर हम इस तरह से इमेजिन करें कि ये सारे कंपोनेंट्स अलग अलग तरह से रखे हैं, इनफैक्ट एम्बेडेड भी हैं, सारे हार्डवेयर्स एक साथ कनेक्टेड भी हैं, तो क्या ये फंक्शन कर पाएंगे? सो द आंसर इज़ नो. दे विल नॉट परफॉर्म एनीथिंग बिकॉज हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल कॉम्पोनेंट एंड दे के नॉट परफॉर्म इंडिविजुअली. वो खुद में कुछ भी करने में केपेबल नहीं है. इट इज़ अ फिजिकल कॉम्पोनेंट. तो जब भी हम कंप्यूटर के रेफरेंस में बात करते हैं, हम इस हार्डवेयर को कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराते हैं. फंक्शनैलिटी इज़ व्हाट? द केपेबिलिटी टू परफॉर्म द सिलेक्टिव या डिज़ायर्ड टास्क. तो अगर हम कहें कि हमारा स्पीकर है, वो स्पीकर हमें गाने सुनाने में सक्षम है, तो वो तभी है जब हम उसको उस तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराते हैं थ्रू अ सॉफ्टवेयर, जिससे कि वो फिजिकल कॉम्पोनेंट हमें साउंड सिग्नल्स प्रोवाइड करा पाता है. तो अगर हमें किसी हार्डवेयर को यूटिलाइज करना है तो हमें कोई एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट चाहिए. बट वी हैव अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग तरह हैं उसकी बात हम अभी आगे करते हैं. तो जब हम इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे होते हैं तो हमारे पास दूसरा कंपोनेंट आता है विच इज़ अवर यूज़र. ओके, एंड यूज़र इज़ बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू योर सिस्टम. तो अगर हम देखें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, यहाँ पे जैसे कि आप पेंट यूज़ करते हैं, एडोब वर्ड का फाइल यूज़ करते हैं, आप ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करते हैं टू यूटिलाइज फंक्शंस ऑफ योर हार्डवेयर यूनिट. तो अगर आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं? आप अपने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ चीज़ देखना चाहते हैं, कुछ कंटेंट व्यू करना चाहते हैं. वो कंटेंट आप अपने स्क्रीन पे, विच इज़ अ हार्डवेयर यूनिट, उस पे देखना चाहते हैं. बट वो कंटेंट क्या होगा, वो कंटेंट स्क्रीन तक डिस्प्ले कैसे होगा, ये दूसरा मेथड है. ठीक है, तो हार्डवेयर इज़ अ डिफरेंट कॉम्पोनेंट, सॉफ्टवेयर आर द डिफरेंट कॉम्पोनेंट. सॉफ्टवेयर आर कंट्रोल्ड बाई यूजर्स लाइक अस. हम इस पेंट को डबल क्लिक करते हैं और ये ओपन होता है. सिमिलरली हम ब्राउज़र को क्लिक करते हैं, देन ये ओपन होता है. तो हम लोग इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से तो इंटरेक्ट कर पा रहे हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं, बट इस हार्डवेयर से हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो इसी रेफरेंस में हम हमारे पास सॉल्यूशंस क्या निकल के आते हैं? हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं. या तो हम इस हार्डवेयर को डायरेक्टली यूज़ करने में केपेबल हों, या फिर हमारे पास कोई एक मीडिएटर हो. हम दोनों मेथड्स को देखते हैं. अगर हम लोग इस हार्डवेयर को डायरेक्टली यूटिलाइज करने में केपेबल हो जाए तो क्या होगा? तो बेसिकली हम डायरेक्टली हम अपने मॉनिटर को यूटिलाइज़ कर पाएंगे, हम अपने मेमोरी को यूटिलाइज़ कर पाएंगे. बट दिस इज़ अ वेरी ह्यूज एंड डीप कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम ये सारे कॉम्पोनेंट्स डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. इसके लिए हमें कम्प्लीट हार्डवेयर नॉलेज चाहिए. मतलब अगर हम देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हमारे पास सिर्फ उस मेमोरी के बेसिक कमांड्स होने तक की नॉलेज ज़रूरी नहीं है. हमें उस मेमोरी का कम्प्लीट फिजिकल स्ट्रक्चर, कम्प्लीट बेसिक फंक्शनैलिटीज़ की कम्प्लीट नॉलेज होनी चाहिए. अगर ऐसा है, विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, देन इट इज़ ऑल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब. तो अगर मुझे सिर्फ एक गाना सुनना है और मैं डायरेक्टली एक स्पीकर को तक अप्रोच करना चाहती हूँ विदाउट यूजिंग एनी इंटरमीडिएटर, देन इट इज़ पॉसिबल, बट इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड अ डिफ़िकल्ट टास्क. अगेन कुछ डिसएडवांटेजेस के साथ आते हैं, जैसे कि बहुत लेंदी हो जाता है उस टास्क को परफॉर्म करना, डिफ़िकल्ट हो जाता है, एरर्स आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. तो अगर हम सरल भाषा में समझें तो इस हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट अगेन इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. एंड फॉर अ लेमैन, फॉर अ रेगुलर यूज़र, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? दूसरा मेथड, विच इज़ हम किसी एक इंटरमीडिएटर को यूज़ करें. इंटरमीडिएटर इज़ व्हाट?
जो हमारे इस सॉफ्टवेयर फंक्शन को इस हार्डवेयर फंक्शन से इंटरैक्ट कराने में हेल्प करें। ऐसा कौन हो सकता है? तो यहीं पे आती है बात हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ, अगेन मैं कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, बट समझने की कोशिश करें, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर रूटीन, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, यानी ये लॉजिकल प्रोग्रामिंग है जिसकी हेल्प से हम ये कोशिश करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर्स इन हार्डवेयर्स को एक्सेस कर सकें। कैसे करेंगे अभी थोड़ा सा और आगे बाद में समझते हैं, पर फंडामेंटल समझने की कोशिश करें हमारा रीज़न क्या था ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने का, ताकि ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन हार्डवेयर कॉम्पोनेंट से इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि हम जानते हैं लिनक्स, iOS, यूनिक्स, विंडोज़, एंड्रॉयड, ये कुछ बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, तो इस पूरे नॉलेज से अगर हम एक कोई डेफिनेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट इज़ अ इंटरफेस विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट प्रोग्राम विच हेल्प्स इन इंटरेक्शन ऑफ यूज़र एंड हार्डवेयर। तो इफ़ देर इज़ अ यूज़र जिसको किसी हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द प्रोग्राम जो इस प्रोसेस को बेहतर बनाने में, ईजी बनाने में हेल्प करता है। तो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा और रिफाइन करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। वॉट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम जो दो तरह के सॉफ्टवेयर्स के साथ डील करता है। फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सिमिलर टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। एंड देन वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से एग्जीक्यूट होते हैं। तो अगर आप देखें कि अगर आपको फ़ोन में व्हाट्सएप एग्जीक्यूट करना है, तो आपके फ़ोन में व्हाट्सएप इज़ योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए अ नेसेसरी सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ योर एनी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम विच कैन बी एंड्रॉयड, iOS एंड सो ऑन। तो कोई एक नेसेसरी ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए या सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम फर्दर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को एग्जीक्यूट कर सकें। सो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन हमने किस तरह से बनाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ के which act as an interface between user and hardware, right? आगे बढ़ते हैं। इस इंटरफेस को हम दो तरह से बिल्ड कर सकते हैं। वी हैव कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इन दोनों शब्दों से हम वाकिफ होंगे। कमांड लाइन इंटरफेस जब आप कोई काम किसी एक इंटरफेस, किसी एक इंटरमीडिएटर की हेल्प से कराना चाहते हैं, यू कमांड देम। आपने ये स्क्रीन इस तरीके देखी होगी जहाँ पे हमें कमांड टाइप करते हैं, एंड देन दैट कमांड एग्जीक्यूट एंड परफॉर्म इट्स जॉब, देन इट इज़ अ कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, देन वी हैव अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अधिकतर जो हम इंटरफेस यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, दैट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, विच मीन्स वी हैव बटन्स, वी हैव आइकन्स, वी हैव एरोज। बेसिकली हमें कमांड टाइप नहीं करना होता है, वी जस्ट क्लिक बटन्स और उस ग्राफिकल इंटरफेस की हेल्प से वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हम जानते हैं, हम जब किसी भी तरह का जब सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, हम एग्जाम्पल लें, अगर हम घर बना रहे हैं, तो एक घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है, एक आर्किटेक्चर की। जैसा कि आप जानते हैं, घर बनाने का मतलब है कि हम सीधे ईट सीमेंट लेके घर बनाना शुरू नहीं कर देते। हम क्या करते हैं, पहले एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, एक मॉड्यूल डिज़ाइन करते हैं कि किस तरह से कहाँ पे क्या किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, कहाँ हमारा बेडरूम होगा, कहाँ हमारा किचन होगा, एंड सो ऑन। जब वो एक आर्किटेक्चर रेडी हो जाता है, देन हम उसी तरह के मल्टीपल स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं, देन वी हैव अ सर्टेन आर्किटेक्चर, जिस आर्किटेक्चर को फॉलो करके हम वो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। दिस इज़ द आर्किटेक्चर। हम इसको लेवल बाय लेवल पढ़ेंगे। देर आर बेसिकली फोर लेवल्स। द लोअर इनर मोस्ट लेवल इज़ योर हार्डवेयर। ठीक है, देन वी हैव कर्नल विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज ब्राउन सर्कल, देन वी हैव पिंक सर्कल विच इज़ नोन एज शेल, एंड देन वी हैव द आउटर मोस्ट सर्कल विच इज़ अ यूज़र, यूज़र या यूज़र एप्लीकेशंस, राइट? ये इनका काम क्या होता है इस आर्किटेक्चर का, अगर हम एक एक करके समझें लेवल बाय लेवल, देन हार्डवेयर हम समझते हैं। हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल कॉम्पोनेंट
ठीक है, और आउटसाइड सर्कल में वी हैव यूजर्स जैसे कि हम। अब हमें अगर किसी हार्डवेयर को से इंटरैक्ट करना है, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, वी हैव अ इंटरफेस। दिस लेयर्ड आर्किटेक्चर, दिस टू लेयर थ्री लेयर आर्किटेक्चर, कर्नल, शेल एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तीन लेवल्स जो हैं हम एक एक करके ब्रीच करते हैं, देन वी यूज द हार्डवेयर विद अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ताकि हम इस हार्डवेयर को मिसयूज़ या मिसगाइड ना करें। इसके लिए हम लोग इसको लेवल बाय लेवल पढ़ते हैं। देन द नेक्स्ट लेवल इज़ कर्नल। कर्नल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आएगा, कर्नल साथ में हमेशा आएगा। कर्नल इज़ नथिंग बट द हार्ट एंड कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट डू वी मीन हार्ट एंड कोर? मतलब सारी फंक्शनैलिटीज़ जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, दैट इज़ एक्चुअली परफॉर्म बाय द कर्नल। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे फंक्शंस एक कर्नल के द्वारा ही किए जाते हैं। तो जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं, आप देखेंगे द फर्स्ट प्रोग्राम टू लोड आफ्टर बूट लोडर इज़ योर कर्नल। कर्नल ही है जो सबसे पहला प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है, ठीक है। और कब तक मेमोरी में रहता है? जब तक कि आप अपने सिस्टम को शट डाउन नहीं कर देते, जब तक कि आपका सिस्टम बंद नहीं हो जाता, आपका कर्नल आपके मेन मेमोरी में ही रिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये कर्नल क्या करता है? बेसिकली यही वो कर्नल है जो एक एक्चुअल इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है, यानी एक्चुअल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है टू दिस हार्डवेयर, ठीक है। देन वी हैव शेल, राइट। शेल क्या है? शेल इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कर्नल। अगेन, कर्नल इज़ अ हाई प्रायोरिटी एरिया, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन, सारे सिस्टम कॉम्पोनेंट्स हमारे कर्नल के अंदर ही रिसाइड करते हैं। अगर हम उन फंक्शंस को, उन प्रोग्राम्स को, उन लॉजिक्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना चाहते हैं, देन वी नीड अ सेपरेट लेयर। तो शेल दो तरह के काम करने में कैपेबल है। एक तो ये हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे कर्नल को सिक्योरिटी, एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है। दूसरी चीज़, साथ ही साथ ये क्या कर रहा है? ये कर्नल के काम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा है। सो दिस शेल विल बेसिकली एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूज़र इन यूज़र लैंग्वेज। ऑब्वियसली अगर हम कोई कमांड अपने सिस्टम को देंगे, तो हम अपने लैंग्वेज में देते हैं वो कमांड। यूज़र लेवल में हम कमांड देंगे, दिस शेल विल डिकोड आवर कमांड टू सिस्टम लैंग्वेज सो दैट कर्नल कैन अंडरस्टैंड द कमांड एंड परफॉर्म द एक्शन अकॉर्डिंगली। तो शेल का काम है आपका एक इंटरफेस प्रोवाइड कराना बिटवीन अ यूज़र एंड अ कर्नल, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे यूज़र या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनके थ्रू हम अपने हार्डवेयर को यूज़ करते हैं। यूज़र हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। तो अगर हम चेन बनाएं, यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है, देन दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ फर्दर प्रोवाइड कमांड्स टू द शेल। शेल विल डिकोड द कमांड्स एंड प्रोवाइड टू द कर्नल। कर्नल विल इम्प्लीमेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड लॉजिक्स एंड फंक्शनैलिटी विद अप्रोप्रिएट प्रिविलेज एंड अथॉरिटी, एंड देन एट लास्ट द हार्डवेयर विल बी एक्सेस्ड, राइट। तो ये हमारा एक आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दीज आर द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, गोल्स क्या हैं? अगर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो फाइनली हम क्या अचीव करना चाहते हैं? आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने का फंडामेंटल रीज़न क्या है? कन्वीनियंस। अभी आप देखोगे, हमने जो पहला एग्जांपल पढ़ा था कि हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के भी काम कर सकते थे, बट इट विल बी वेरी लेंदी, वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी टीडियस। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? कन्वीनियंस। हम कन्वीनियंटली काम करवा पा रहे हैं, हम एक यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं हमारे एंड यूज़र को। यूज़र को कोई कॉम्प्लेक्सिटी फेस नहीं करनी पड़ती है, वो सिर्फ कमांड बेस्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की हेल्प से अपने सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। तो अगर कंप्यूटर सिस्टम से के रेफरेंस से कोई यूज़र नहीं है, लेमन यूज़र है, देन ऑल्सो ही और शी कैन ऑपरेट दिस सिस्टम वेरी इजीली, ठीक है। देन द सेकेंड गोल इज़ टू अचीव एफिशियंसी। जो काम आप एक स्ट्रक्चर की हेल्प से कर पा रहे थे, उसमें आप कितनी एफिशियंसी ऐड करोगे जो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करा पाए, ठीक है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हर फंक्शन को ज़्यादा एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कराने में कैपेबल है, ठीक है। दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, देन वी हैव डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, एरर डिटेक्टिंग एड्स,
कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर्स एंड यूजर्स. इन सबको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. व्हाट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट? इट इज़ टू कीप ट्रैक ऑफ द मेमोरी ऑफ योर सिस्टम. हमारे सिस्टम में जो भी मेमोरी अवेलेबल है उसका पूरा ट्रैक रखना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको टाइमली किस प्रोसेस को एलोकेट करना है, किस प्रोसेस को डीएलोकेट करना है मेमोरी, उन सब चीज़ों को एनकाउंटर करने का काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज़ अंडर द स्कीम ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट. देन सिमिलरली वी हैव प्रोसेसर मैनेजमेंट. हमारे सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर्स या प्रोसेसेस को कैसे हैंडल करना है, किसको टाइमली सीपीयू एलोकेट करना है, किस प्रोसेस को, किस प्रोसेस से रिसोर्सेज या सीपीयू वापस लेना है, दिस इज़ डन इन द प्रोसेसर मैनेजमेंट. देन वी हैव डिवाइस मैनेजमेंट. मल्टीपल डिवाइसेस को कैसे हैंडल करेंगे अंडर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट या मैनेजमेंट स्कीम. हम हमारे सिस्टम से रिलेटेड जितने भी आईओ डिवाइसेस हैं उनको हैंडल या मैनेज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिवाइस मैनेजमेंट, राइट. देन वी हैव फाइल मैनेजमेंट. आपके सिस्टम में जितना भी कंटेंट आप सेव करते हो, एवरीथिंग इज़ अ फाइल, चाहे वो गाना हो, वीडियो हो, आपके PDFs हो, नोट्स हो, वो सारे आपके फाइल्स के अंदर आते हैं. और इन अलग अलग तरह की फाइल्स को मैनेज करने का काम हमारा फाइल मैनेजमेंट करता है विद रेफरेंस टू अवर मेमोरी. देन वी हैव सिक्योरिटी. सिक्योरिटी को हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी अचीव कर सकते हैं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स फंडामेंटल सिक्योरिटी टू अवर स्ट्रक्चर, जिससे कि मिनिमम सिक्योरिटी लेवल्स आप हमेशा अचीव कर सकते हो विदाउट यूजिंग अ थर्ड पार्टी सपोर्ट. ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही. फिलहाल यहाँ से हम समझ सकें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके फंडामेंटल फंक्शंस क्या हैं. थैंक यू.